प्रणाम ऋषि भाई। तुम यहाँ मेरे आश्रम में क्या कर रहे हो? वो अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी थी आपसे, इसलिए। गुरुवर, ये बहुत समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने इनसे अन्न जल ग्रहण करने को कहा, परंतु इन्होंने मना कर दिया। कहा, जब तक गुरुवर ध्यान से बाहर नहीं आते, मैं कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। श्रीनिवास, तुम अत्यंत गुणी हो। तुम्हारा यह व्यवहार देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। करो, क्या कहना चाहते हो? बड़ी विचित्र बात है ऋषिवर, किंतु मुझे ऐसा लगा कि आपको सूचित करना उचित होगा। कल रात्रि में मैं ऐसे ही भ्रमण करने निकला था। मैं ऐसे ही कभी भ्रमण करता हूँ। आपके घर के पास जो रात रानी का वृक्ष है ना, वो मुझे बड़ा प्रिय है। तो मैं ऐसी सुगंध लेने के लिए वहाँ पे रुका था और मैंने देखा कि दो व्यक्ति आपके घर से निकल कर कहीं जा रहे थे। मैं चकित हुआ। मैंने उन्हें देखा तो मुझे वो चोर जैसे प्रतीत हुए। मैंने उनका पीछा किया, उनके पीछे पीछे गया। और ऋषिवर, अब विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने उन्हें कहाँ जाते हुए देखा। कहाँ? ऋषिवर, मैंने उन्हें महल में जाते हुए देखा। और आश्चर्य की बात तो यह है कि किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। इसका अर्थ सरल है ऋषिवर, कि वो दो व्यक्ति अवश्य ही महल से ही थे। क्या करूं मैं? पर मेरी संदेह की पुष्टि श्रीनिवास ही कर सकता है, किंतु यदि ऐसा हुआ तो ये प्रश्न अवश्य उठेगा कि मैं इतनी रात गए श्रीनिवास से क्यों मिल रही थी। श्रीनिवास को लेकर मेरे मन में क्या है, ये मैं ही जानती हूँ, किंतु अन्य सभी तो उसे मेरे गुरु के रूप में ही देखते हैं, और कोई अपने गुरु से कभी भी मिल सकता है। अब मैं पिताश्री के समक्ष इस बात की पुष्टि करवा सकती हूँ श्रीनिवास से, जो मेरा पीछा कर रहे थे वो रक्षक नहीं थे। कल रात मैंने भी कुछ लोगों को मेरे घर में घुसने का प्रयत्न करते हुए देखा था, अब तुम भी यही कह रहे हो। क्या ये सत्य राजा के समक्ष कहने में तुम्हें कोई भय तो नहीं? ये सत्य है ऋषि भाई, और सत्य के लिए मैं सदैव खड़ा रहता हूँ। इस संसार में चाहे जो कोई भी हो, उसके समक्ष ये सत्य स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे तुमसे यही आशा थी, किंतु उससे पूर्व हमें घर जाकर भार्गवी को विश्वास दिलाना होगा, क्योंकि उसे लगता है कि यह सब मेरा भ्रम था। यदि तुम भार्गवी से कहोगे तो उसे विश्वास हो जाएगा, फिर हम तीनों एक साथ महल चलेंगे। जैसे आपकी इच्छा ऋषि। अब खेल आरंभ हुआ है वासु, अब तत्पर रहो, हमारा पासा अब उल्टा पड़ने वाला है। रह गया श्रीनिवास? गोविंद राज, राजकुमारी आप, प्रणाम। श्रीनिवास कहाँ है? वो तो भोर में यही होता है ना तुम्हारे साथ मंदिर में? हाँ, वो होता तो यही है, किंतु आज नहीं। मेरा तात्पर्य कि वो आज किसी महत्वपूर्ण कार्य से बाहर गया है। कौन जाने श्रीनिवास भी हर समय कहाँ चला जाता है। ठीक है, मैं यही उसकी प्रतीक्षा करती हूँ। श्रीनिवास के आते ही मैं उसे पिताजी के पास ले जाऊंगी, और फिर मेरा पीछा करने वालों का सत्य भी सामने आ जाएगा। भार्गवी, ये तुम श्रीनिवास को क्यों देख रही हो? बाबा, वो तो मैं पूछने वाली थी कि इतना विलंब क्यों हो गया इससे आ जाने में। देर इसलिए हुई क्योंकि श्रीनिवास आश्रम में मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। श्रीनिवास,
तुम भार्गवी को वो सब बताओ जो तुमने मुझे बताया था। तब तक मैं कुछ पूजा की सामग्री इकट्ठी कर लेता हूँ जो मुझे नटराज मंदिर में चढ़ानी। मैं आता हूँ, बताओ। तुम भी ना तांडव करवा के रहोगे, पापा देख लेते तो। नहीं देखा ना, जो नहीं हुआ उसके विषय में चिंता करती हो, जो हुआ उसके विषय में विचार करो। कैसे बड़े प्रेम से मैंने एक शब्द कहे बिना तुम्हें व्यक्त कर दिया कि श्री जो है मेरी, श्री मेरे हृदय में वास करती है और श्रीनिवास वही जिसके हृदय में श्री का वास हो। ओहो ये अद्भुत प्रेम, और तुम्हें चिंता पड़ी है बाबा की। अरे वो तो इसलिए क्योंकि तुम्हें ज्ञात ही नहीं है कि आज सवेरे क्या हुआ। अच्छा क्या हुआ? बाबा ने मुझसे कहा था कि उन्होंने मेरे कक्ष के बाहर उन्होंने किसी को गौशाला में देखा। हाँ? मेरी तो श्वास ही अटक गई थी, मुझे तो लगा था कि उन्हें कहीं ज्ञात तो नहीं होगा कि हम दोनों रात्रि में मिले थे। किंतु वो कह रहे थे कि कुछ लोगों को मेरे कक्ष में घुसने का प्रयास करते हुए देखा। किंतु मैंने तो उन्हें कह दिया कि उनका अवश्य ही कोई भ्रम होगा। सारी बात समेट दी मैंने, समाप्त कर दी। वैसे क्या कह रहे थे बाबा मुझे कहने के लिए? वो सब बाद में, किंतु उससे पहले एक कार्य कर। ये है तुलसी मैया के लिए हार, मैंने स्वयं बनाया है। ऐसा ही एक हार मैंने नटराज के मंदिर में भी बनाया था, एक तुम्हारे लिए भी बना दिया। ये मेरा कर्म क्षेत्र है और कर्म क्षेत्र देवस्थान से कम नहीं, इसे तुलसी माता को चढ़ा दो। ये तो बहुत ही अच्छी बात कही तुमने, तुम स्वयं ही चढ़ा दो। ऐसे कैसे? तुम इस घर की पुत्री हो, लक्ष्मी हो तुम। तुम ही ये हार पहनाओगे। अपनी पुत्री के विवाह में कोई कमी नहीं रखना चाहता, उसके लिए वर की पूर्ण परीक्षा लूंगा। राजकुमार वासु के अतिरिक्त और किसे परखना चाहते हैं? श्रीनिवास आप मुझे किसी भी कसौटी पर परख लीजिए ऋषि देव, इस प्रेम की परीक्षा में तो उत्तीर्ण मैं ही होऊंगा। मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा उस श्रीनिवास को। क्या खेल खेल रहा है? क्या ऋषि भृगु की पुत्री भार्गवी? हाँ। और राजकुमारी पद्मावती, दोनों को एक साथ घुमा रहा है। इतना तो कभी इस मदिरा ने भी नहीं घुमाया होगा। अरे प्रणाम कुमार। क्या निर्देश दिया था तुम दोनों? मात्र यही ना कि राजकुमारी पद्मावती पर दृष्टि रखना। तो रखती तो थी, आपको बताया भी था। मूर्ख, रात्रि और आज सुबह के मध्य क्या हुआ ज्ञात है तुम्हें? क्या हुआ? राजकुमारी पद्मावती ने महाराज आकाश को यह बता दिया कि कल रात्रि में कोई उनका अनुसरण कर रहा था। क्या राजा आकाश में दंडित करेंगे? अभी तक तो नहीं, कदाचित महाराज आकाश को ये लगता है कि कोई अंगरक्षक था जो राजकुमारी की सुरक्षा के लिए उनका पीछा कर रहा था। तो संकट मात्र टला है, संकट समाप्त नहीं हुआ। राजकुमारी पद्मावती इतनी सरलता से पीछा छोड़ने वाली है, तो बिना किसी की दृष्टि में आए हुए यही रहो, जब तक मैं न कहूं। इस स्थान से बाहर बताना। जैसी आज्ञा कुमार। बस ये बात जानकर कहीं श्रीनिवास कोई और खेल न खेले।